नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाजार के इस नए एपिसोड में जी हाँ दोस्तों आज हम फिर से एक बार लेके आ चुके हैं आपके सामने एक नई सीरीज अपना एपिसोड नंबर थ्री जिसमें हम आपके सामने आज लेकर के आए हैं मिस्टर रकीब अंसार जो कि एक यंग एंट्रोप्रनोर हैं और नई युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श एक रोल मॉडल कहे जा सकते हैं तो वेलकम है सर आपका यहाँ पे हमारे एपिसोड में दो सर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके बारे में आपकी जर्नी के बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी तक आपका क्या सफ़र रहा है ओके okay, तो सबसे पहले नमस्कार मेरा नाम रखी अंसारी हुआ स्टूडेंट हूँ आर बिज़नेस कर रहा हूँ और आर बिजनेस का स्टूडेंट हूँ रियल लाइफ में स्टूडेंट हूँ और इससे पहले मैं अपना एक मेडिकल स्टोर था जिसे मैं स्टडी करते हुए चला रहा था और उस मेडिकल स्टोर को मैंने बचपन से चलाया और उसके बाद मैं आर बिजनेस में आ गया बचपन से चलाने का मतलब वो पापा से आपके स्टार्ट हुआ था और फिर आप उसमें आए जी जी मेरे फादर साहब स्टार्ट किए थे और मैं फादर के साथ रहता था और धीरे धीरे मैं भी उसका नॉलेज हुआ और फिर मैं उसको एक अपना पर्सनल मेडिकल स्टोर में चलाने लग गया और पापा अलग से गाजियाबाद में चलाने लग गए जैसे कि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि आप यंग एंट्रप्रन्यर हैं तो पहले आप अपनी एज बताइए हमारे व्यूअर्स को आपकी एज कितनी हो जैसे मेरी एज की बात हुई तो मेरी एज अभी ट्वेंटी हो गई है वो अगस्त में फाइनल हो जाएगी ट्वेंटी तो ट्वेंटी आपकी एज है और आप कितने सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में हैं नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे समथिंग डेढ़ साल प्लस होने वाला है डेढ़ साल प्लस होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हुए इस बिज़नेस को आर बिजनेस को ज्वाइन किए हुए और इस डेढ़ साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में जो शायद मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आता तो शायद मैं नहीं सीख पाता सर आपने बताया कि डेढ़ साल आपको ज्वाइन किए हुए हुआ है आपके पास और भी रास्ते थे आप कुछ भी कर सकते थे आप जैसे बताए मेडिकल फील्ड से थे आप चाहते तो और भी इस फील्ड को आगे बढ़ा सकते थे आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते थे तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों चुना आपने सर इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है नेटवर्क मार्केटिंग चुनने का मेरा एक ही रीज़न था क्योंकि मैंने इसका फ्यूचर देखा है दूसरी बात जैसे आप कह रहे हैं मैंने मेडिकल फील्ड में था तो मेडिकल फील्ड मैंने अभी भी नहीं छोड़ी है उसको भी मैं कर रहा हूँ उसके साथ साथ मुझे लगा कि एक समय ऐसा आएगा कि शायद मैं इसमें सक्सेसफुल ना हो पाऊँ लेकिन इन फ्यूचर में अगर आर बिज़नेस में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं सफलता के लिए सिर्फ तीन से पाँच साल अगर कंसिस्टेंसी से अगर मैं मेहनत करता हूँ तो इस बात की गारंटी मेरे आने वाले जन्म के जन्म कितने ही मेरे मतलब पुस्तैनी ख़त्म ना हो तब तक ये आर बिजनेस इनकम देगा नेटवर्क मार्केटिंग में वो पावर है सर uh, आप मुझे ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के शुरू में लोगों के मन में कुछ गलत अवधारणाएं होती हैं कि ये जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस है लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि आपको शुरू से क्लैरिटी थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या फिर ये मिसकनसेप्शन आपके मन में भी पहले हुआ करता था नहीं देखिए जैसे कि कहते हैं ना जब कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास किसी बिजनेस को लेकर आता है वैसे मेरे पास भी इस बिज़नेस को लेकर आए हम सबके गुरुदेव हैं अतुलनीय हैं मैंटोर हैं गुरु के समान हमारे वरुण सर है जो हमारे पास शॉप पर इस आरसेम बिजनेस को लेकर आए थे तो सर जी का मैंने शुरुआती दौर में पर्सनैलिटी और बात करने का वो तरीका मैंने एक अलग लुक एक अलग तरीके से मैंने उनकी वो जज्बा देखा तो वैसा जुनून मेरे अंदर भी लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं शॉप पे बैठे बैठे बोर हो जाता था और ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको घूमने के लिए मिलता है नाम मिलता है शोहरत मिलता है इसके बाद मैं बताऊँ आपको मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है अच्छा तो आपने लगभग डेढ़ साल पहले इसको ज्वाइन किया लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कोई स्टेबल कंपनी पकड़ते हैं उससे पहले वो छः सात कंपनी में धक्के खा के आते हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि आप पहले छः सात कंपनियों में गए वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगा तब जा कर के आपने आर ज्वाइन किया देखिए मैं बात बताऊँ आपको जैसे आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो मेरे पिताजी जो है वो आज से नहीं करीब कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कई सिस्टम ऐसे आए किसी में आपको कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं या कुछ जमा करना पड़ता है या फिर आप दो को जोड़ो दो के बदले दो आपका पैसा ऊपर हो जाएगा इस तरह का कई सारे उन्होंने ऐसे सिस्टम में ज्वाइन हुए हों तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज था कि अगर इस तरह का कई सारी कंपनियाँ बाहर है मार्केट में और उसमें मेरे पापा का कई जगह लॉस भी हुआ है तो ये मुझे नॉलेज हो चुका था कि ये कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो हमारे लिए सही नहीं है दूसरी बात मैंने आर ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि मैंने इसको बहुत ही गहराई से मैंने इसकी जानकारी इकट्ठा किया मैंने देखा आर कंपनी आज की नहीं है ये बहुत पुरानी है सन 2000 से तो आर के नाम से चल रही है और मेरे एज के अकॉर्डिंग अभी ये मेरे से भी ज़्यादा बड़ी है कंपनी दूसरी बात ये कि बाहर में कई सारी कंपनियाँ हैं जो दो साल तीन साल चार साल आती है चली जाती है लेकिन आर बीच में मतलब कई सारी प्रॉब्लम भी झेली है जिसके बावजूद भी आर अभी तक चल रही है मतलब ये भागने वाली नहीं है सर uh, जैसा कि आपने बताया कि आप आर में ही डायरेक्ट ज्वाइन हो चुके थे सबसे पहले आपके फैमिली में से पिताजी ने ये नेटवर्क मार्केटिंग को देखा समझा तो मुझे एक बात बताइए कि आपने आर को चुना आपके सामने और भी ऑप्शन थे आपके सामने मार्केट में अगर आप देखें तो बीस बीस साल पुरानी कंपनियां और भी हैं लेकिन आर को ही चुनने क्या आपने डिसाइड किया देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं बहुत सारी कंपनियां हैं मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट होगा मैं वो करना पसंद करता हूं क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट है मुझे लगा आर बेस्ट है क्यों क्योंकि इसका मुझे दो चीज बहुत बढ़िया लगता है कि इसकी एक रेट वेट क्वालिटी ये तीन चीज काफी अच्छा है क्योंकि इसको गरीब से गरीब व्यक्ति ले सकता है और अमीर से अमीर व्यक्ति कर सकता है क्योंकि इसकी क्वालिटी बढ़िया होता है और अमीर व्यक्ति कभी भी वो रेट नहीं देखता वो क्वालिटी देखता और गरीब कभी क्वालिटी नहीं देखता वो रेट देखता है तो ये गरीब के लिए भी बढ़िया और अमीर के लिए भी, भी बढ़िया यानी कि हम ऑल पीपल पे काम कर सकते हैं सभी के ऊपर काम कर सकते हैं तो इसको देखते हुए मैंने इस आरसम को ज्वाइन किया अब जैसा कि आप बता रहे गरीब के लिए भी है तो गरीब के लिए अगर हम बात करें तो गरीब का तो वही है रोटी कपड़ा मकान वो तो चाहता है कि मुझे कम से कम पैसे में मुझे सामान मिले लेकिन जितनी भी आजकल हम देखें नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में कंपनियां हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं काफी महंगे होते हैं और वो प्रोडक्ट वो यूज नहीं कर पाते फिर भी ज्वाइन होते कि चलो पैसा बनेगा लेकिन बीच में छोड़कर चले आते हैं तो क्या आप दावा करते हैं कि आर कंपनी के पास सबसे चीप एंड बेस्ट रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं हंड्रेड गारंटी लेता हूँ मैं इस बात का कि हमारे आर कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट है वाजिब रेट के साथ हंड्रेड शुद्ध है और इस बात की गारंटी है अगर गरीब से गरीब व्यक्ति मार्केट में अगर कोई दस रुपए का साबुन भी यूज करता है तो दस रुपए से सस्ता नहीं आता है दस रुपये yes. सर मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अस्सी अस्सी रुपए का साबुन बेच रहा है की बात कर रहा हूँ दस रुपये सस्ता तो नहीं लगाएगा अगर किसी भी कंपनी का लेता है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन आर के पास दस रुपए का साबुन है जो नौ रुपए में मिल जाता है नौ रुपए में से दो रुपए एक सिस्टम के द्वारा उसके अकाउंट में चला जाता है तो क्यों नहीं लेगा वो अगर मार्केट में दस का मिल रहा है यहाँ पे वही साबुन उससे बढ़िया क्वालिटी उसको नौ में मिल जाए दो रुपये अकाउंट में आ रहा है तो आठ सात रुपये का पड़ा हो तो बताइए लेंगे कि नहीं लेंगे वो यानी आप पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये कंपनी गरीबों के साथ खड़ी है और गरीबों को अमीर बना ही छोड़ेगी बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात सर मुझे एक चीज़ और बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जैसे आपने आर कंपनी के बारे में बात की तो आर कंपनी कहती है कि आपको तीन से पाँच साल देने पड़ेंगे तो ये तीन से पाँच साल बहुत लंबा समय नहीं हो जाता किसी के लिए वेट करना और कोई कई लोग तो इसमें एक साल डेढ़ साल करके छोड़ के चले जाते हैं कि इनकम नहीं आ रही है तो वैसे लोग किस किस प्रकार से आर कंपनी में हम रखे रह सकते हैं देखिए इसमें मैं बताऊं अगर कोई व्यक्ति आर बिजनेस को ज्वाइन करता है तो मेरा मानना है वो इस फील्ड में सबसे पहले उसका विज़न क्लियर करना है अगर उस बंदे का विज़न क्लियर हो जाता है तो सामने वाला व्यक्ति पूरे जोश और जुनून के साथ इस बिज़नेस में टिकेगा और तीन से पाँच साल वो मेहनत इसलिए करे क्योंकि उसका विजन क्लियर है और तीन से पाँच साल वो इस बिज़नेस में अगर सीख करके मेहनत करके इस बिज़नेस में रॉयल्टी जैसे मकाम पे अगर पहुंचता है तो आने वाला फ्यूचर उसका तो ब्राइट है ही लेकिन उसके पीरी दर पीरी जो जब तक ब्लड रिलेशन ना ख़त्म होगा तब तक उसके घर में वो इनकम आता रहेगा और आर ये देने की पावर रखती है आजकल के युवा आजकल देखते हैं कि मोबाइल में लगे रहते हैं फेसबुक में व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं आपने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा उसको करना शुरू किया आप उन युवा लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो लोग अपना समय यहाँ बर्बाद कर देते हैं कुछ लोग तो चलो युवा समय बर्बाद करते हैं लेकिन कुछ लोग सरकारी नौकरी के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं तो ऐसे लोग जब तीस तीस साल को जाते तब पछताते हैं तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे किस प्रकार से अपना करियर बचा सकते हैं देखिए मैं सबके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी की एज जो हमारा गोल्डन एज होता है मैं मानता तो हूँ इस एज को और इस एज में अगर हम लोग अपने आप को कंट्रोल करके अपनी मतलब जिम्मेदारियों को समझे क्या ये एज ही ऐसा होता है अट्रैक्शन का एज होता है गलत दिशाओं में चली जाती है एक ऐसा एज है कि इंसान बच्चा या एक ऐसा एज आता है रुक नहीं पाता है नहीं। तो गलत दिशा में चलने लग जाते हैं या फिर उनको फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी बात अगर बोलो तो वो सीरियस नहीं लेता है क्या करना है देख लेंगे बाद में देखेंगे है ना एक एज है निकल जाएगी पच्चीस तीस का लेकिन ये मैं मानता हूँ बीस से लेकर के पच्चीस तक की जो एज है अगर इस एज में अगर किसी ने मेहनत कर लिया बीस से पच्चीस तो इस एज में अगर वो मेहनत करता है आने वाले उसके चालीस पचास साल बहुत ही शानदार गुजरेगा क्योंकि यही एज होता है इंसान जो गंवा देता है और आगे चल के उसको ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है तो हम उन लोगों को कैसे इस फील्ड में लाए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कैसे बताए क्योंकि अभी हमने जैसे आपसे जाना कि लोग ज़्यादा समय नहीं देना चाहते कुछ लोग अभी मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा बदल चुके हैं लोग क्रिप्टो में फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाकर करियर बनाना चाहते हैं हालाँकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो परिभाषा थी वो तो प्रोडक्ट बेस्ड थी लोग आजकल जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उस फील्ड में जा रहे हैं और अपना लॉस कर देते हैं तो उन लोगों को कैसे समझाया जाए कि आपको अपना समय कैस किस प्रकार से यूज़ करना और कैसे आपको प्रोडक्ट बेस्ड जो नेटवर्क मार्केटिंग की असली परिभाषा है वहाँ आना चाहिए देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगा यूथ की बात हो रही है तो यूथ ज़्यादातर मैं जैसे हम जिस एज में इस एज में ज़्यादातर लड़कों को क्या होता है घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर भी घूमने का अपॉर्चुनिटी देता है और आर सिस्टम के मदद से मैं करीब छः से सात जगह ऐसी जगह मैं घूम कर आया हूँ जैसे गोवा हो गया गुजरात हो गया मुंबई हो गया उदयपुर सिटी इस तरह का मतलब कई सारी जगह हैं जो हम इस एज में नहीं घूम सकते लेकिन दिली ख्वाहिश होता है ऐसे यंग यंग जो भी हमारे है यूथ हैं उनके ज़्यादातर फोकस होता है घूमने में तो उनको आप उनके ड्रीम के बारे में बताओ उनके सपने उनके सपने के बारे में बताओ जब उनके सपनों के बारे में आप बात करोगे और उनके सपनों को दिखाओ कि इस तरह से ये साकार हो सकता है अगर वो इस फील्ड में आते हैं तो हम उसका सपोर्ट करेंगे और इस प्लानिंग पे हम लोग काम करते हैं तो उसका ड्रीम कैसे कंप्लीट होगा और सबसे सब बड़ी बात ये नेटवर्क मार्केटिंग में आपको छोटे मोटे टारगेट मिलते हैं और आप उसे अचीव करके आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो इंडिया से बाहर आप घूम सकते हो तो इस तरह तो का ट्रिप मिलता है क्योंकि ये घूमना बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है आजकल तो मेरा मानना है सामने वाले को ड्रीम को जगाओ उसके ड्रीम के बारे में जाना और उसके ड्रीम पर काम करना स्टार्ट करो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन भी करेगा और इस बिज़नेस में भी टिकेगा सर ऐसा देखा गया कि कई लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं अपने अपलाइन के या फिर कोई रिलेटिव ऐसा होता है जिसकी बात वो नहीं टाल पाते तो ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन फिर वो इस फील्ड में काम नहीं कर पाते वो किसी को प्लान दिखा नहीं पाते बोल नहीं पाते तो उन लोगों के लिए क्या किस प्रकार से हेल्प की जा सकती है देखिए यहाँ पे जैसे आपने बताया कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं वो काम नहीं कर पाते इसके पीछे दो रीज़न आती है कि सबसे पहले या तो उस बंदे को नॉलेज नहीं हुआ है और दूसरी बात ये आ जाती है कि वो मीटिंग में नहीं आ रहा है जब तक उसको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में सिस्टम के बारे में या फिर हमारे अपलाइन जो भी है किस तरह से हो रहा है सारे चीज़ मैनेजमेंट ये चीज़ नॉलेज नहीं है तब तक वो इस बिज़नेस को नहीं करेगा दिल से तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते तो उसका सबसे पहला आपका मोटिव होना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से गाइड करना और उसको पर डे मीटिंग जो जूम मीटिंग होता है हमारा ऑनलाइन उस मीटिंग में उसको लाना क्योंकि मीटिंग ही वो जरिया होता है जहाँ पे इंसान आता है तो उसके मन का एक एक क्वेश्चन डाउट वगैरह सभी क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है अक्सर देखा गया कि मीटिंग में आने के लिए बहाने कर देते हैं मतलब मेरे को काम है मैं बिजी रहता हूँ लेट आता हूँ जॉब से तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है देखिए ऐसे बहुत ऑब्जेक्शन आते हैं मैं भी जब लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट करता हूं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन ऐसे आते हैं कि नेट ख़त्म हो गया मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है मैं रास्ते में हूं मैं यहां वहां बहुत तरह के एक्सक्यूजेज आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे सामने वाले को हम इस तरह से बताते हैं कि देखिए आपकी जिंदगी में ये हमेशा चलता रहेगा अगर आप झूठ बोल रहे हो तो अपने आप से बोल रहे हो हमारा कोई लॉस नहीं है हम आपके फायदे के लिए बात कर रहे हैं अगर आप इस मीटिंग में आते हो तो आपका नॉलेज बढ़ेगा आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आप अर्निंग करने के सोर्सेस आप और तरीके से कमा सकते हो तो इस तरह से उसको बताए कि यहाँ पे प्रॉफिट उसका है हमारा लॉस नहीं हो रहा है लेकिन उसकी प्रॉफिट नहीं हो पाएगी तो उसके प्रॉफिट की बात करें और उसके प्रॉफिट को बता करके इस मीटिंग में लाए और मीटिंग का वैल्यू बताया क्योंकि मीटिंग में आएंगे तो मीटिंग से उसको क्या मिलने वाला है आ, बहुत अच्छा है सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर को किस प्रकार से देखते हैं इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर की बात कर रहे हो आप तो जैसे कि मैंने अभी जिस तरह से आगाज़ हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का तो इन फ्यूचर ट्वेंट दो के बाद नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़ोर शोर से भागने वाली है लाइन लगेंगी मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग इसमें जोइन ऑटोमेटिक करेंगे क्योंकि ऐसा समय आने वाला है ये इक्कीसवीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग है मेरी नज़र में और जो अभी आ रहे वो समझो किस्मत वाले हैं क्योंकि जो बाद में आएंगे वो पछताएंगे बिल्कुल क्योंकि बाद में क्या है ना हर चीज़ का एक वो होता है समय और समय के साथ हम किसी चीज़ को अपनाते हैं तो आगे निकल जाते हैं तो यही मैं कहूँगा कि आप अभी ज्वाइन करें समय बहुत अच्छा है 2023 और 25 के बाद तो वैसी लाइन लग जाएगा लोगों का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग में हम सभी अपना फ्यूचर इसमें गोल्डन और ब्राइट कर सकते हैं तो दोस्तों देखा आपने हमारे साथ आज के गेस्ट हमारे रकीब अंसारी जी का इंटरव्यू होप आप लोगों को पसंद में आया होगा कोई भी आपकी क्वायरीज हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हम आपकी क्वायरीज को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद सर